हो गए। इधर ही तो रखे थे, इसमें होंगे। बाकी पैसे कहाँ गए? अरे भाई आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? मनहूस, अरे सफी आज तो तेरी बेइज्जती पक्की है। कहाँ चले गए? इधर होंगे, इधर रखे होंगे। हाँ 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 यहाँ होंगे। क्या हो गया पप्पू, कुछ खो गया है क्या? और कौन इतनी जोर से दरवाजा बजाया जा रहा है? बेटा दूध वाला है वो, मेरे पैसे तो रखे थे। अच्छा तो इतनी हलकान क्यों हो रही है? आए हाय, तो नहीं कहाँ रखती है? इतने सारे पैसे थे, संभाले थे, अब मिल नहीं रहे। तो पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, सब कुछ भूल जाती हूँ। इसने मेरी बड़ी बेइज्जती करनी है। ऐसे कैसे बेइज्जती करेगा? अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताएं कि कितनी रकम है? पूरे 800 रुपए। अच्छा आप एक मिनट रुकिए, किधर रखिए? ये रखिए। नहीं नहीं शर्मिन बेटा रहने दो, मिल जाएंगे, यही रखेंगे। मैंने पहले इसको पैसे देकर आए, सारा मोहल्ला सिर पे उठा रखा है इसको। अगर पैसे मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं। जाए। अरे भाई आ रही हूँ। कहाँ रखती है? टीन के डब्बे में भी नहीं, कहीं संदूक में तो नहीं रखती है, या फिर आटे के डब्बे में? क्या हो गया है? क्यों इतनी सी रकम के लिए खुद को हलकान किए जा रहे हैं? बेटा इतनी सी रकम, पूरे 800 रुपए थे, छोटी रकम तो नहीं होती। तो शौहर की कमाई की तो बात ही कुछ और होती। इसमें शौहर की कमाई का जिक्र कहाँ से आ गया? सारी बात ही शौहर की। ऐश करती है औरत अपने शौहर की कमाई पे। मेरी तरह थोड़ी हर वक्त डरती रहती है कि कोई भी कभी कुछ सुना दे, जलील कर दे, बेइज्जती कर दे। आपको कोई कुछ कह के तो दिखाए। तूने भी तो एक दिन चले जाना है, मेरे साथ थोड़ी रहेगी सारी जिंदगी। अल्लाह ने अगर मेरी किस्मत में शादी का सूत्र लिखा होता भी मलकाओं की तरह ना शान से राज कर रही थी। जिनकी किस्मत में ये शादी का सुख लिखा होता है, उन्हें ये शादी कितनी महंगी पड़ती है आप नहीं जान सकते। घर की मालकिन का एहसास होना क्या कम है? ये एहसास भी मर्द औरत को इसलिए देता है कि वो दुनिया को दिखा सके कि देखो कितनी खुशकिस्मत है ये औरत, कि मुझ जैसा बेमिसाल मर्द मिला है इसको। सब कुछ बीवी के हवाले करती है। हाय तेरी बातों का ना सर है ना पैर। सारी उम्र गुजर जाती है इस एहसास की कीमत अदा करती हूँ। पर इसका हिसाब कभी साफ नहीं होता। अच्छा ये कैसे? तो क्या जरूरत है ये रखो ना।